नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम की श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। ताकत, शक्ति, जिसके हाथ में ये सब है उसके हाथ में दुनिया की कमान है। ऐसे लोग दुनिया चलाते हैं, लेकिन ताकत के साथ में आती है जिम्मेदारी। जो इंसान ताकतवर है उसका फर्ज बनता है कि वो अपने से निर्बल को सहारा दे, मासूम बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाए। लेकिन जानते हैं, कई बार ताकतवर इंसान ही मजबूर बच्चों को अपनी हैवानियत का शिकार बनाते हैं, और जब ऐसा होता है तो पूरी इंसानियत शर्मसार होती है। अच्छा हुआ कि तुम दोनों को पूजा में आने का वक्त मिल गया। अच्छा मुझे ये बता कि मैं रोज तुम दोनों को एक अच्छा अच्छा मैसेज अपने खुद के हाथ से टाइप करके भेजती हूँ व्हाट्सएप पे, तुम दोनों उसका रिप्लाई नहीं दे रहे हो। जाने दीजिए काकी, आप कहाँ खुद लिखकर भेजती हैं, आप तो फॉरवर्ड करती हैं ना, और ऐसे फॉरवर्ड तो रोज हमें सुबह आते ही रहते हैं। आजकल इंटरनेट का जमाना है, सभी ज्ञानी हो गए। ममता जरा सबको प्रसाद देना। ये क्या भेजा है आप लोगों ने? मैंने दाल मखनी बोली थी और आप लोगों ने दाल तड़का भेज दिया है, और शाही पनीर की जगह पे मटर पनीर भेज दिया है। मैंने सारा मेन्यू आप लोग को व्हाट्सएप पे भेजा था ना, फिर काम आप लोग बिगाड़ते हो और सुनना मुझे पड़ेगा। किसकी मजाल जो हमारी धर्म पत्नी को उसी के ससुराल में सुना दे। हाँ, अरे तुम केटरिंग वाली नहीं हो, इस घर की बहू हो। मम्मी जी ने इतने शौक से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी मुझे, सब बिगड़ गया। बहू क्या हुआ, क्यों परेशान हो? देखिए ना मामी जी, शाही पनीर की जगह पे मटर पनीर भेज दिया उन लोगों ने। पनीर तो पनीर ही होता है ना बेटा, शाही पनीर हो या मटर पनीर। अच्छा एक काम करो, प्रसाद कम हो गया है, स्टोर रूम में जाओ और वहां से ले आओ, ठीक है? जी मामी जी, मैं लेके आऊंगी। मम्मी मुझे अनी के साथ खेलना है। अरे बेटा अंदर होगी, जाके देखो। मैं लाती हूँ। हाँ। होगी कहीं भी। हाँ? जाओ देखो, ढूंढो, चलो। अनिरुद्ध, अरे भाभी आप देखिए ना, भाभी पूरी फ्रॉक गंदी कर दी इसने, ये यहाँ नमकीन लेने आई थी और सब कपड़ों पे गिरा दिया। चलो बेटा चलो, तुम बाहर चलो, बच्चों के साथ खेलो चल के। बेटा आप ठीक हो? आपको कुछ हुआ है? किसी ने कुछ कहा है बेटा? अच्छा वो अनिरुद्ध मामा कुछ कह रहे थे आप? रिका, चलो खाना रेडी है। अजीत, ये अनिका मम्मी जी के पास क्यों रहती है? अरे शालू कानपुर में रहती है ना, उसका पति कानपुर छोड़ नहीं सकता, और वैसे भी कानपुर में दिल्ली जैसे स्कूल भी कहाँ है, इसीलिए वो यहीं पे नानी के पास रह के अपनी पढ़ाई पूरी करेगी। हम लेकिन तुम्हारी बहन को सोचना चाहिए ना, इतनी छोटी बच्ची को अपने से दूर कैसे भेज दिया उन्होंने? अरे तो कौन सा परायों के बीच में रह रही है, अपनी नानी है उसकी, अपने मामा है, और उन दोनों के अलावा वहां पे है ही कौन बताओ? नहीं वो मैं, अरे यार बहुत नींद आ रही है, कल बात करेंगे। हाँ मम्मा। हम मूवी देखने कब जाएंगे? जब आपके पापा के पास टाइम होगा तभी। पापा के पास तो टाइम ही नहीं रहता है। अच्छा मम्मा के पास तो होता, जल्दी से नाश्ता कर लो।
अजीत कितना टाइम नाश्ता रेडी है? बस बस हो गया। ओके। अरे विक्रम का मैसेज आया है। अरे उसको बोल दो मैं ड्राइव कर रहा हूँ, बस पहुंचने वाला हूँ। बोल दो। ओके ओके। अजीत ये क्या है? क्या है? प्लीज मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे, छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं। तुम इस तरह के वीडियो देखते हो? अरे मैं नहीं देखता हूँ, विक्रम भी ना पता नहीं क्या क्या भेजता रहता है। अच्छा सुनो, आज टिफिन नहीं चाहिए, बाहर लंच करना है क्लाइंट के साथ में। तुम इस बात को इतना लाइटली कैसे ले सकते हो अजीत? तुम्हें पता है बच्चों के ऐसी वीडियो बनाना और देखना दोनों गैर कानूनी है। ठीक है बाबा, मैं विक्रम को बोल दूंगा आगे से ऐसे वीडियोस ना भेजा करें। अजीत ये छोटी बात नहीं है, उस बच्चे के साथ रेप हो रहा है। रुनाल, दुनिया में पता नहीं लोगों के साथ रोज क्या क्या हो रहा है, तुम क्यों इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा बना रही हो? अजीत ये छोटी सी बात नहीं है, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि उस बच्चे की जान बच सके। पुलिस? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? अरे मेरे हिसाब पे दिन में हजारों ऐसे वीडियोस आते रहते हैं, हम सबको जेल कराएंगे क्या? कुछ भी बोलती हो। अजीत तुम उस बच्चे के बारे में तो सोचो, अगर उसकी जगह हमारी पायल होती तो। रुनाल बस, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, जाओ मुझे लेट हो रहा है, ऑफिस के लिए नाश्ता बनाओ। एकदम से ऐसे फोन करके क्यों बुलाया? मैं बहुत परेशान हूँ दिशा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। हाँ लेकिन हुआ क्या है? तू सही कह रही है, हमें ना पुलिस को ये सब बता देना चाहिए। अजीत कभी नहीं मानेगा। तो अजीत को नहीं बताते हैं? और क्या कहेंगे पुलिस को जाके कि मेरे पति के नंबर पे मैसेज आ रहा है? पूछेंगे नहीं किस नंबर से कौन कर रहा है मैसेज और वीडियो लिंक के बारे में। अच्छा तो ये बता कि किस ऐप पे आई है ये वीडियो? अरे जिस पे सब लोग चैट करते हैं, दैट्स ऐप। तुझे अजीत के फोन का पासवर्ड पता है? ठीक है। अच्छा ये बता घर में कंप्यूटर या लैपटॉप है? हाँ वहाँ पे। हो गया काम, चल। अरे देखिए मेरी बात। हाँ मैं बताती हूँ, हम यहाँ पे वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप? हाँ वो एप्लीकेशन हम यहाँ डाउनलोड करके अजीत का पासवर्ड डाल के वो वीडियो आराम से निकाल सकते हैं। फिर हम यहाँ से वो वीडियो डाउनलोड करके तू मेरे फोन पर भेज दे, फिर हम पुलिस को दिखा देंगे। अच्छा तू पासवर्ड डाल। मैं नहीं चाहती कि इस बारे में कुछ भी मेरे पति को पता चले या फिर उनका किसी दोस्त का नाम आए बीच में। जी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इस वीडियो में जो आदमी और बच्ची है दोनों में से किसी का चेहरा ठीक से नहीं दिखाया जा रहा। दिखने में तो हिंदुस्तानी लगते हैं लेकिन पक्के तौर पर नहीं कह सकते, हो सकता है पाकिस्तान बांग्लादेश कहीं के भी हो सकते हैं। मतलब सर आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे? जी मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, हम पूरी कोशिश करेंगे। गौतम सर ये वीडियो अपने फोन में लो और पता करो ये कहाँ बना है, हिंदुस्तान में या बाहर। राइट। यार पुलिस भी सही कह रही है, इंटरनेट ही तो है, पूरी दुनिया चलाती है, और अगर ये वीडियो हमारे देश का नहीं हुआ तो हमारी पुलिस भी क्या कर पाएगी? पता नहीं दिशा, लेकिन मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ, मेरी पायल पे खरोच भी आती है ना तो मेरी जान निकल जाती है। फिर उस वीडियो में तो उस बच्ची के साथ पता नहीं इस पे क्या बीत रही होगी।
ये फेस पैक ना बहुत अच्छा है, आप ना इसे रोज अपने चेहरे पर लगाइए, फिर देखिए एक ही महीने में कैसे रंगत आ जाती है आपके चेहरे पर। मैं तो कहती हूँ आप खरीद लीजिए। देखो ना, ये हुक टूट गया। टूटनी ही थी। सुजाता, जरा ध्यान दिया कर अपनी बेटी के खाने पीने पर। लड़की है, कहीं भैंस हो गई ना तो शादी भी नहीं होगी। और ये जो फेस पैक तुम मुझे बेच रही है ना, इसे लगा, इसे इसकी ज्यादा जरूरत है। जी खड़ी हुई यहां, इसका तो काम के वक्त ही सारी गड़बड़ी होती है। कितनी बार बोला है ना तुझे पार्लर में मत आया कर, हमेशा मेरी बेइज्जती करवाती रहती है। पहले से जल्दी से। और ये क्या, कितनी बार बोला है ना मैंने तुझे, तेरे बाप की कोई निशानी इस घर पे नहीं चाहिए मुझे। उतार इसे। गुड्डू, गुड्डू। क्या है दी? इसे स्कूल छोड़कर आ। यार दी, मेरे पास ना इतना फालतू का टाइम नहीं है कि तेरी बेटी को स्कूल छोड़ने भी जाऊं और वापस लेने भी जाऊं। तेरे पास मेरे किसी काम के लिए टाइम भी होता है? हमेशा बैठकर यहां पर फोन पे लगा रहता है, पंचायत करता रहता है। ये ले पेन, चल अब। चल रीना जी, मैं 5 मिनट में आती हूँ, जब तक आपका फेस पैक सूख जाएगा। चल जल्दी जल्दी चल, लेट हो गए। जल्दी जल्दी बैठ। मनोहर भाई। हाँ। आप अंजू को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं ना? हाँ हाँ। इसे भी ले जाइए ना, मेरी पार्लर में क्लाइंट वेट कर रही है। हाँ हाँ, बैठ बेटा, बैठ बेटा। बैठ गए आपसे? बाय माँ। सर, उस बच्ची के वीडियो के बारे में पता करने की मैंने बहुत कोशिश की। उस वीडियो को बहुत बार फॉरवर्ड किया गया था और इतनी बार डाइवर्ट होके वो वीडियो आई है, सोर्स के बारे में कुछ पता ही नहीं चल पा रहा। आई एम सॉरी मैडम, हमने पता करने की पूरी कोशिश की और कुछ पता नहीं चल रहा है। अब तू क्या सोच रही है? पुलिस को कुछ पता नहीं चल रहा है इस वीडियो के सोर्स का। अगर हम ये पता कर लें कि ये वीडियो आया कहाँ से है, तो शायद कुछ पता चले। मैं समझी नहीं तू क्या कह रही है। देख, मेरे पति को उसके दोस्त ने ये वीडियो भेजी थी और विक्रम को भी किसी ना किसी ने ये वीडियो भेजी होगी। अगर हम ये पता कर लें कि किसने भेजी है, तो शायद कुछ हो जाए। यहाँ पुलिस नहीं पता कर पा रही है, तू कैसे पता करेगी? ए, इसका तो स्कर्ट ही फटा हुआ है। इतना खाती है तो कपड़े फटेंगे ही ना, इतना खाती है ना इसलिए इसके पापा भी भाग गए। विक्रम ऑनलाइन है यार। वो वीडियो तो बड़ी मजेदार थी, तेरे पास कहाँ से आई? सुबह मना किया कि मत भेजा कर, अब पूछ रहा है कि कहाँ से आई। मैं ग्रुप में हूँ, नन्ही तितली, वहीं से मिली। दूसरा नंबर भेजूंगा, उस पर इनविटेशन भेजना। यार तूने ये 2 सिम कार्ड खरीदने क्यों बोला? बताती हूँ, ये देख, ये कार्ड अपने फोन में लगा और चैटिंग ऐप डाउनलोड कर। वो मुझे दे। विक्रम, अरजीत, कि मेरा नया नंबर है, इस नंबर पे मुझे नन्ही तितली ग्रुप का इनवाइट भेजो। यार अजीत को पता चला तो? आई नो, गुस्सा तो होगा वो, लेकिन अभी तक ऐड क्यों नहीं किया उसने? एक काम करो, फिर से मैसेज भेजो। बहुत डेस्परेट लोग होंगे यार, वेट करते हैं। दिशा, नन्ही तितली ऐप से इनवाइट आया है। एक्सेप्ट कर। यार इसमें चेहरा तो किसी का भी नहीं दिख रहा है। मैं विक्रम से पूछती हूँ। हाँ। विक्रम, इस ग्रुप में तो पूरी वीडियो ही नहीं है। ये पब्लिक ग्रुप है, प्राइवेट ग्रुप पर है असली वीडियो। उस ग्रुप में तुम्हें ऐड नहीं कर पाऊंगा, एडमिन किसी नए को ऐड नहीं करता है, मुझे भी ऐड नहीं किया। यार अब क्या करें? कुछ तो करना होगा,
मैं दूसरे नंबर से इनवाइट भेजती हूँ। अब हम ये नंबर यूज कर सकते हैं और विक्रम को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन तू अब करेगी क्या? हमें एडमिन का भरोसा जीतना होगा। यार ये क्या कर रही है तू? तू उसे गे सेक्स और वाइफ स्वाइपिंग का ग्रुप बनाने क्यों बोल रही है? सीधा सीधा मुद्दे पे आना। नहीं आ सकते, उसे शक हो सकता है। हम ऐसा दिखाते हैं कि हमें बच्ची की वीडियो में इंटरेस्ट नहीं है। अब इंतजार करना होगा। क्या कर रही है? अपने बाप को याद कर रही है? वो नहीं आएगा। कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? ये तो बहुत सुंदर है पापा। बड़ी हो गई मेरी बेटी। अब तो तेरी शादी के लिए लड़का ढूंढना पड़ेगा। नहीं पापा, मैं शादी नहीं करूंगी, मैं आपके साथ रहूंगी। पर बेटा, शादी तो करनी पड़ेगी ना। अच्छा, खुद की शादी तो संभाल ही नहीं जा रही है और बेटी की शादी करेंगे? से कम अब बच्ची के सामने शुरू मत हो जाना। बच्ची की इतनी चिंता होती ना तो बाहर मुंह नहीं मारते। उठ! साफ नाइटी पर क्यों बैठी थी? दिखाई नहीं देता? तरह का मैसेज भेजता रहता है ये? यार ये विक्रम का ना मुझे समझ में नहीं आता है। मजाक कर रहा है, सीरियस है, क्या है? मुझसे पूछ रहा है नन्ही तितली कैसी लगी? नन्ही तितली क्या? हाँ, मैंने भी वही पूछा। तो मुझे बोल रहा है ज्यादा स्मार्ट मत बन। छोड़ो इसे। नाश्ता करेंगे। अरे मोबाइल इधर रखो, साथ में नाश्ता करेंगे आज। ओके, एक गर्मा गर्म पोहा। मुझे सिर्फ छोटी लड़कियों के वीडियो अच्छे लगते हैं। ये ऑर्डर 12 बजे तक रेडी होना था, अभी तक क्यों नहीं है? क्या कर रहे थे तुम? ये लो इसे चलो, देखो लगना नहीं चाहिए। वैसे क्या तुमने कभी अपनी पत्नी को किसी के साथ शेयर किया है? नहीं, लेकिन करना चाहता हूं। मैंने उसे लिखा भी कि मुझे अपने प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर, लेकिन अभी तक नहीं किया उसने। ये आदमी ना बहुत चालाक है। आई नो। 2 हफ्ते से बात करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। थोड़ी देर बात करेगा और फिर गायब हो जाता है। मैं चाहती हूँ ना कि जल्द से जल्द ये सब पकड़े जाए। पता नहीं कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी नरक बना दी है इन लोगों ने। सुंदर लग रही है। कहाँ सुंदर हूँ, सब मुझे काली और भद्दी कहकर चढ़ाते हैं। नहीं रे, तू तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल ये चॉकलेट की तरह। ये लिखाएगी? अरे अच्छा, तुझे बता दो कैसे खाते चॉकलेट। नहीं प्लीज, मुझे जाने दो। नहीं नहीं प्लीज प्लीज, मुझे जाने छोड़ो मुझे। तू अपनी पत्नी को किसी और की बीबी के साथ अदला बदली करना चाहता है? नहीं, मैं अपनी पत्नी के बदले आदमी चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे लड़के पसंद
हैं, मैं गे हूं। क्या तुम भी गे हो? नहीं। इसे फिर से बोलना, बच्चों के प्राइवेट चैट ग्रुप में ऐड करने के लिए। बोल जल्दी। ठीक है बोलती हूँ। अरे यार, तूने मुझे अभी तक बच्चों के ग्रुप में ऐड नहीं किया, कर ना यार, देखना चाहता हूँ। ऑफलाइन हो गया ये तो। दिशा, आशीष, उसने अपने ग्रुप में ऐड कर लिया है। ओपन करना। छोटी बच्चियों के साथ इंसान की उत्पत्ति जानवर के रूप में हुई थी, लेकिन तब से अब तक में बहुत बदलाव हो चुका है। अब इंसान और जानवर में बहुत अंतर है। आज इंसान जानता है कि क्या सही है और क्या गलत। अगर उसके बावजूद भी अगर एक इंसान जंगली जानवर की तरह बर्ताव करे तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? मृणाल जिस ऐप पर थी वो कुछ अलग हटके नहीं था, वो एक साधारण सा चैटिंग ऐप था जिस पर आप और हम आमतौर पे अपने परिजनों से, अपने दोस्तों से बातें करते हैं, मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं। पर कोई ये नहीं सोच सकता था कि एक ऐसे ऐप पर एक घिनौना ग्रुप होगा जो मासूम बच्चों को अपना शिकार बना रहा होगा। एक दिन के अंदर 300 अलग अलग वीडियो भेजे गए हैं सर, छोटी बच्चियों के इस ग्रुप में, और हजारों से ज्यादा गंदी फोटोज छोटी बच्चियां आई है सर। सर, ये जो लोग भी है ना, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। डोंट वरी, हम पूरी कोशिश करेंगे इन अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए। कितने बेशर्म आदमी हो, रोज के रोज मुंह उठाए चले आते हो यहाँ। मैं बेशर्म हूँ? पति के साथ रहने की बजाय अपने माँ के घर पे रह रही हूँ और बेशर्म मैं हूँ? हाँ, रह रही हूँ माँ के घर, क्योंकि पति का तो खुद का घर है नहीं, इसलिए रह रही हूँ। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। मैं मेरी बेटी से मिलने आया हूँ और आज उसे लेकर ही जाऊंगा। चल बेटा। मुझे हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? मैं बाप हूँ उसका। तुमने सोच भी कैसे लिया? तुम जैसे आदमी के साथ मैं अपनी बेटी को भेज दूंगी? अरे हट जाओ। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। और तू अगर आइंदा अपने बाप से मिली ना तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी। अरे जान, अपने पति के घर यहाँ पड़ी हुई है। ये मेरे बाबा का घर है और इस घर पे मेरा पूरा हक है। चल हटिया। सर, मैंने उस ग्रुप के एडमिन की डिटेल्स पता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस ग्रुप में एडमिन की कोई डिटेल नहीं है। सर, उस ग्रुप में उसने अपना नाम छलिया रखा है और प्रोफाइल में एक तितली की फोटो लगा कर रखी है। आईपी एड्रेस, मोबाइल नंबर? नहीं सर, कुछ पता नहीं चल पाया। ऐसा करो, दैट्स अप का इंडिया में जो ऑफिस है वहाँ कॉन्टैक्ट करो, उसे कहो कि इस ग्रुप का एडमिन और सारे मेंबर्स की डिटेल्स हमें दे दे, और जिन जिन लोगों ने यहाँ पे वीडियोस डाली थी उन सब की भी। और हाँ, उसे ये भी कहना कि इस ग्रुप को जल्द से जल्द बंद करें। सर, देखिए सर, इस मामले में हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि सर, हमारा चैटिंग ऐप दैट्स अप पूरी तरह से इनक्रिप्टेड है। इनक्रिप्टेड मतलब क्या होता है? मतलब ये सर, कौन आदमी किस आदमी से क्या बात करता है, क्या चैटिंग करता है, कौन सी फोटो शेयर करता है, कौन सी वीडियो शेयर करता है और कौन सी वीडियो भेज सकता है, सर ये तो हम भी पता नहीं कर सकते और ना ही उनकी डेटा शेयर कर सकते। सर, दैट्स अप वालों का कहना है कि वो हमारी कोई मदद नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास किसी भी मेंबर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, कोई डिटेल नहीं होती, और ना ही वो लोग ये देख सकते हैं कि कौन सा मेंबर किसके साथ क्या बात कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? जिस ऐप पर इतनी चैटिंग होती है, इतने वीडियोस अपलोड डाउनलोड होते हैं, उनके पास डिटेल्स नहीं है। सर, एक्चुअली इंटरनेट की दुनिया भूल भुलैया जैसे होती है, थोड़ा टेक्निकल है। आइए,
मान लीजिए आपने किसी को मैसेज भेजा, वो मैसेज जब डिलीवर होगा तो मैट्रिक्स कोड में कन्वर्ट होकर डिलीवर होगा। मैट्रिक्स कोड यानी 0 और 1? एब्सोल्युटली सर। मान लीजिए आपका मैसेज था हेलो, HELLO, ये हेलो मैसेज जब डिलीवर होगा तो मैट्रिक्स कोड में कन्वर्ट होकर डिलीवर होगा, मतलब 0 1 0 1 1 0। पूरी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग इस 0 और 1 पे बेस्ड है। अगर आपने किसी को मैसेज भेजा तो वो मैसेज सिर्फ वही पढ़ सकता है जिसके नाम पे आपने मैसेज भेजा था, बीच में और कोई नहीं पढ़ सकता। लेकिन ये ऐप वाले ऐसे ग्रुप को ब्लॉक तो कर सकते हैं ना सर? जब भी किसी ग्रुप का नाम पॉर्न या सेक्स या रेप ऐसे आपत्तिजनक शब्दों पर बेस करके बनाया जाता है तो वो ग्रुप तुरंत ब्लॉक हो जाता है क्योंकि ग्रुप की पहचान हो जाती है। लेकिन यहाँ उन लोगों ने क्या नाम रखा है? नन्ही तितली। सर अब नन्ही तितली कोई आपत्तिजनक शब्द तो है नहीं, सो बाय डिफॉल्ट ग्रुप का ब्लॉक होना भी बनता नहीं है। मतलब इस छलिया का पता लगाना मुश्किल है। यस सर, हमने जहाँ से शुरुआत की थी हम वापस वहीं आ गए, बैक टू स्क्वायर वन। हम फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं, हमारे पास जितनी वीडियोस है उन सब में बच्चों का चेहरा दिखता है, वो सारे वीडियोस को सर्च करो। लेकिन सर वहाँ तो देश विदेश के बहुत सारे वीडियोस हैं। जानता हूँ, फिर से सर्च करो। हमको ऐसी बच्चों को आइडेंटिफाई करना होगा जो इंडिया से हो, तब जाके आगे की लीड मिलेगी। राइट सर। ये ले, चल आके बैठ जा। नहीं, मैं आज नहीं आऊंगी आपके साथ। सर मैंने सारे वीडियोस को बहुत अच्छे से चेक कर लिए हैं। ज्यादातर वीडियोस बाहर के देशों की हैं। सिर्फ 50 इंडियन वीडियोस हैं, उनमें से सिर्फ 6 लड़कियों की शक्लें सही से दिख रही है। दीदी वेट वेट वेट, ये लड़की तो साउथ इंडियन लग रही है। साउथ इंडिया के सभी स्टेट के पुलिस को कॉन्टेक्ट करो। ठीक है, एक मिनट यहाँ थोड़ा जूम करो। हाथ में चॉकलेट है ना? कोई नॉर्मल चॉकलेट नहीं है, लोकल मेड लग रही है। इसकी फुटेज को क्लियर करो और पता करो कि ये चॉकलेट कहाँ मिलती है। लेकिन सर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, वीडियो में कुछ लड़कियों के साथ रेप हो रहा है लेकिन देखा जाए तो कुछ लड़कियाँ बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही सहज बिहेव कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? जो लड़कियाँ सहज दिख रही है आई एम वेरी श्योर उनके साथ ये घिनौना काम करने वाला इंसान कोई ऐसा है जिन्हें वो बहुत अच्छी तरह से जानती है। बच्चे मासूम होते हैं, उनको सही गलत का अंदाजा नहीं होता, अपने लिए क्या सही है क्या गलत है वो नहीं समझ पाते। कोई भी प्यार से उनसे कुछ भी करवा सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी ड्राइंग है। अच्छी है ना? बहुत प्यारी। बेटा मामा आपकी बेस्ट फ्रेंड है ना? बेस्ट वाली। मम्मा जो भी पूछेगी आप बताओगे? बेटा आपको कभी किसी ने बैड तरीके से टच किया है? बैड तरीके से? हाँ बेटा, आप यहाँ यहाँ बेटा पायल, आप जाओ अपने कमरे में ड्राइंग करो। हाँ ठीक है पापा। कैसे बेकार के सवाल पूछ रही थी पायल से? बेकार सवाल? ये बेकार सवाल अर्जी, बच्चों को मालूम होना चाहिए कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। नुनाल बच्चे मासूम होते हैं, उनके दिमाग में ये सब बातें डालने की जरूरत क्या है? अरे उन्हें अपना बचपन एंजॉय करने दो। बच्चे मासूम होते हैं अर्जी, तभी तो बुरे लोग उनके साथ बुरा करते हैं। देखो ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन कोई भी तुम्हें सुनेगा ना तो यही सोचेगा कि माँ जबरदस्ती अपने बच्चे के दिमाग में घटिया बातें डाल रही है। पुलिस में कंप्लेन करने के बाद भी अभी तक ये ग्रुप एक्टिव है। हो सकता है पुलिस को भी कोई लीड ना मिली हो। मतलब इतनी सारी जो हमने मेहनत की वो सब बेकार गई। देखते हैं। ओह माय गॉड, फाइनली 2 घंटे बाद पता चला। क्या लिखा है? देखो इंटरनेट पे लिखा है कि एडमिन अगर अपने फोन में किसी का नंबर सेव कर लेता है तो दूसरे आदमी को एडमिन की डिटेल मिल सकती है। इसका मतलब है अगर इस छलिया ने मेरा नंबर अपने फोन में सेव कर लिया तो दैट्स ग्रुप पे मुझे इसका नंबर दिखने लगेगा। हाँ सर, उस चॉकलेट के बारे में पता चल गया है। क्या? इस तरह की चॉकलेट गढ़चिरौली महाराष्ट्र में मिलती है। वहां के पुलिस स्टेशन में लड़की की फोटो शेयर करो और उनको पता करने के लिए बोलो लड़की के बारे में। राइट सर।
क्या हुआ अभी तक बताया नहीं, गे सेक्स के लिए ग्रुप बनाओगे या नहीं? मैं गे सेक्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन तेरी बीबी के बदले तुझे दूसरा आदमी दे सकता हूँ। लेकिन अगर तेरी बीबी पसंद आई तो अपनी बीबी की बिना कपड़ों की फोटो भेज। अब क्या करें? इंटरनेट से कोई भी फोटो निकाल के भेजते हैं। ये दिख रहा है, अगर इसके साथ काम बढ़ गया ना तो मुझे कांटेक्ट करने के लिए उसे मेरा नंबर सेव करना ही होगा। हाँ यार, बस ये छल हमारा काम कर जाए। ये जो एरिया है यहाँ पे फिर से जाओ और दोबारा सबसे पूछना, ठीक? सर, वो बच्ची जिसके हाथ में चॉकलेट थी उसके सिलसिले में गढ़चिरौली पुलिस स्टेशन से फोन आया था। क्या बोले? वो बच्ची मर चुकी है। What? इसका नाम डिंपल था सर, 6 महीने पहले इसका मर्डर हुआ है, रेप एंड मर्डर। घर के पास ही इस बच्ची की लाश मिली थी। क्या हुआ था बच्चे के साथ? पता नहीं साहब, मेरी बच्ची तो बाहर खेलने गई थी, ज्यादा देर हो गई थी तो मैं उसे ढूंढने गई। डिंपल, डिंपल, डिंपल! सुनिए दीदी, आपने मेरी बेटी डिंपल को देखा क्या? नहीं तो डिंपल, डिंपल, डिंपल! मेरी बच्ची मेरा सहारा थी, पता नहीं किस एहसान ने उसके। आपकी बच्ची के साथ पहले से रेप हो रहा था क्या? ये देखिए। ज्यादा आप नहीं देख पाएंगे। मेरी बच्ची के साथ इतना सब कुछ हो रहा था और मुझे पता भी नहीं, कैसी माँ हूँ मैं, कैसी माँ हूँ। देखिए, ये सही समय नहीं है पूछने के लिए, लेकिन हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। क्या आपको किसी पर शक है? शक तो मुझे उसके बाप पर है, लेकिन उसका बाप इतनी नीच हरकत नहीं कर सकता। तो कोई और? नहीं साहब, मेरी बच्ची तो स्कूल से घर, इस घर से स्कूल जाती थी। स्कूल से कैसे आती जाती थी? स्कूल बस से। आप लोगों ने ये बात कैसे मिस कर दी कि बच्ची के साथ पहले भी लगातार रेप हो रहा था? पोस्टमार्टम में तो आया होगा ना? सर, बच्ची के साथ बहुत ही हैवानियत के साथ रेप हुआ था, बहुत ज्यादा इंटरनल इंजरीज भी थी, इतनी ज्यादा कि पता ही नहीं चल पा रहा था कि नई इंजरीज के मार्क्स कौन से हैं और पुरानी इंजरीज के कौन से। आप लोगों ने उस बस ड्राइवर से पूछताछ की थी? नहीं, बच्ची की लाश हमें उसके घर के पास से ही मिली थी। बच्ची के पिता से पूछताछ की, हिस्ट्री शीटर्स और बाकी सबके। बच्ची किसी फोन रैकेट की शिकार थी, इसका तो हमें पता भी नहीं था। बच्ची के स्कूल के बस ड्राइवर को बुलाओ। यस सर। मुझे कुछ नहीं पता सर। तुझे नहीं पता तो किसे पता है? डिंपल बस से आती जाती थी ना स्कूल? हाँ आती थी, लेकिन कभी कभी उसे लेने उसके मामा जाते थे। तो कौन सा मैं अपने मन से उसको लेने जाता था सर? सर, मेरी दीप अपने पति का घर छोड़कर बैठी थी हमारे घर में, और रोज चिल्लाती थी सर मुझ पर कि गुड्डू डिंपल को स्कूल में लेकर जाओ, गुड्डू डिंपल को स्कूल से लेकर आओ। सर क्या करता मैं, जाना पड़ता था मुझे। लो तो मैं काम करो, जो ड्राइवर है, मामा और डिंपल के पिता, इन तीनों की पूरी हिस्ट्री निकलवाओ। सर, तो उल्लू बनाता है। मैंने तुझसे तेरी बीबी के बिना कपड़ों की फोटो मांगी, तूने इंटरनेट से उठा के चिपका दी मुझे। हे भगवान, इसने तो गुस्से से मुझे इस ग्रुप से निकाल दिया, क्या करूं मैं? सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि डिंपल ने किसी को कुछ बताने की कोशिश की हो, ये बात वीडियो बनाने वालों को पता चल गई हो और उन लोगों ने डिंपल को मार दिया हो। सर, डिंपल के मामा, उसके पिता और ड्राइवर की सारी डिटेल्स आ गई है, बाकी सब तो क्लीन है सर, लेकिन डिंपल के मामा की एक्टिविटीज थोड़ा सस्पिशियस है। वो कैसे? वो कई बार डिंपल के स्कूल के रास्ते पे होता था, और वहाँ से उसके मोबाइल की लोकेशन एक गोडाउन की होती थी, और वहाँ आधा घंटा गुजारने के बाद ही वो घर जाया करता था। वो गोडाउन किसका है? उसके एक दोस्त का सर।
गेंदी रे तुझे बावा नहीं आज तुम डाकू का क्या रे बहुत समय करता है यहाँ पे है क्या अंदर सर सर कुछ दिखा चल चल सर कुछ नहीं है मेरी बात तो सुन सर कुछ भी तो नहीं है सर क्या ये हाँ क्या है क्या बोड़ा वाले के घर सर ये तो वही रूम है वही बिस्तर है जहां डिंपल की वीडियोस बनाई जाती थी मुझे माफ कर दीजिए सर अपने मजे के लिए तूने एक बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी मार डाला उसे सर अपने मजे के लिए नहीं मुझे पैसों की जरूरत थी मेरे पोस्ट किए हुए वीडियो पर जब भी कोई क्लिक करता था उतनी बार मुझे पैसे मिल जाते थे सर फिर मारा क्यों बच्चे को मैंने मारा नहीं है सर मैंने तो उसको छुआ तक नहीं है भांजी थी मेरी मेरा दोस्त उसका रेप करता था सर ले अब बैठ जा नहीं मैं आज नहीं आऊंगी आपके साथ और मैं उसका वीडियो बनाता था सर लेकिन मैंने मारा नहीं है सर मेरा विश्वास कीजिए मैंने मारा नहीं उसको चल ग्रुप एडमिन की डिटेल्स दे सर उसके बारे में मुझे सच में नहीं पता ये जब तक सच ना बोले ना कूटो इसे सर 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 मैं सच बोल रहा हूँ नहीं 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 सर सर मेरी बात तो सुन आ रहा है ना नहीं नहीं तू ये कर क्या रही है मुझे ये करना ही होगा इतने दूर आके मैं पीछे नहीं हट सकती लेकिन तू मेरी प्लीज मुझे माफ कर दो थोड़ा नर्वस था अपनी पत्नी की बिना कपड़ों की फोटो भेज रहा हूँ और अपना नंबर भी भेज रहा हूँ अगर मेरी बीवी की फोटो पसंद आए तो अपने फोन करना मैं दिल्ली में रहता हूँ लेकिन कहीं भी आ सकता हूँ उसे लेकर मेरे लिए किसी आदमी का इंतजाम कर देना समाज से कुछ चाहते हैं पर हम में से ऐसे कितने हैं जो समाज को कुछ देना चाहते हैं अपना कर्ज चुकाना चाहते हैं बहुत कम इस भागती दौड़ती दुनिया में ऐसे बहुत कम गिने चुने लोगों के कारण ही इंसानियत अभी बाकी है मृणाल ने उस ग्रुप में हो रही शर्मनाक गतिविधियों को रोकने के लिए मासूम बच्चियों के बलात्कार करने वाले हैवानों को पकड़वाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया अपनी इज्जत तक पुलिस ने उस ग्रुप में सक्रिय एक व्यक्ति को तो ढूंढ निकाला था लेकिन डिंपल का खून किसने किया ये पता नहीं चल पाया इंटरनेट की दुनिया भी कुछ ऐसी है इसमें क्रिमिनल के लिए छुप जाना बहुत आसान होता है तो फिर हुआ क्या आखिर में क्या पुलिस उन क्रिमिनल्स को ढूंढ पाई या फिर इंटरनेट की उस भूल भुलैया में पुलिस खोकर रह गई सर मुझे तो लगता है डिंपल के मामा ने ही डिंपल को मारा होगा और अब हमारे सामने आके सरासर झूठ बोल रहा है या तो उसका मामा या कोई और या वो जो उसी ग्रुप पे उसके वीडियोस देखता हो सकता है सर प्रॉब्लम यह है कि अभी तक हमारे पास उस ग्रुप एडमिन की डिटेल्स नहीं आई एक बार वो डिटेल आ जाए फिर उसके थ्रू हमें बहुत लोग मिल सकते हैं नहीं आया ना कोई जवाब मैंने तुझे मना किया था लेकिन फिर भी तूने उस ऐसे आदमी को अपनी वैसी फोटो भेज दी सोच अगर उसने तेरी वो फोटो ग्रुप में डाल दी तो क्या इज्जत रह जाएगी तेरी और तेरे पति का दोस्त भी है ना उस ग्रुप में मुझे पता है लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था लेकिन क्या मिला ये सब करके उसने नंबर तक तो सेव नहीं किया कम से कम नंबर ही सेव कर लेता तो हमें भी उसका नंबर मिल जाता उसने मेरा नंबर सेव कर लिया है और उसका मैसेज आया देख कमाल है तेरी बीबी
तू जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद आऊंगा मिलने। कब्र कहाँ बता दूंगा। सर, ये उस एडमिन का नंबर है। ये नंबर आपको कहाँ से मिला? सर, मैं कुछ दिन से चैट कर रही हूँ। मैम, आप जैसे बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के दर्द को अपना समझते हैं। थैंक यू। गौतम सर, इस नंबर की सारी डिटेल्स निकालो जल्दी। सर, मैंने अपनी एक फोटो भेजी है बिना कपड़ों के। सर, अगर इस फोटो को उसने वायरल कर दिया ना, तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप चिंता ना करें मैडम, हम उसे बहुत जल्द पकड़ लेंगे। ये देखो, यहाँ फ्रेंड बुक पे किसी ने नन्ही तितली के नाम से पोस्ट किया है कि यहाँ पे क्या क्या होता है। हे भगवान, अगर उसे कहीं लगा कि हम ये सब कर रहे हैं और वो अलर्ट हो जाएगा सर, फिर हमें कुछ नहीं मिलेगा। किसने किया ये पोस्ट? सर, कोई एनजीओ वाली है, अनीता मेहरा करके, यही दिल्ली से ही है। अनीता मेहरा? हाँ सर, वो पोस्ट मैंने ही किया था। अनीता जी, आपको वो पोस्ट हटानी पड़ेगी। आई एम सॉरी सर, मासूम बच्चों के साथ इतनी घिनौनी हरकत करने वाले लोगों का सच दुनिया के सामने आना ही चाहिए। हम आपकी भावना समझ सकते हैं, हम उसी ग्रुप के एडमिन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आपने शायद उसका ये नया पोस्ट नहीं देखा, लिखता है कि जितना भौंकना है भौंक लो, इस ग्रुप को कोई बंद नहीं करवा सकता। मैं तो क्या, मेरी परछाई तक किसी के हाथ नहीं आएगी। सर, उस छलिया का नंबर ट्रेस हो गया, नंबर पानीपत का है, ये रहा एड्रेस। अब देखते कैसे नहीं हाथ लगा सकते। चलो। तेरे चक्कर में कितनी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद हुई है तुझे पता है? क्यों, क्या ये सब? मैंने तो बस वैसे ही मनोरंजन के लिए ग्रुप बना लिया था, बस उसमें विदेशी वीडियो डाल देता था, फिर लोगों ने पैसों के चक्कर में खुद शूट करके उसमें वीडियो डालना शुरू कर दिया। साहब, अब तुझे हर एक हड्डी टूटने का मजा आएगा। मारो साले को। इसका फोन चेक करो, इसने उस ऐप के बहुत सारे मेंबर्स के नंबर सेव किए हैं। सबको उठाओ। सर, सर, इस ऐप में बहुत सारे वीडियोस हैं, उनमें से एक वीडियो ये भी है। ये उसी जगह का वीडियो है जहां डिंपल का रेप करके मारा गया था। किसके मोबाइल से आई ये वीडियो? गढ़चिरौली के ही एक मोबाइल से। क्यों मारा बच्ची को? आप अंजू को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं ना? हाँ हाँ। इसे भी ले जाइए ना। हाँ हाँ, बैठ बेटा, बैठ बेटा। क्यों मारा? मैं नन्ही तितली ग्रुप का मेंबर था, डिंपल का वीडियो मैंने देख लिया था। फिर एक दिन जब वो घर से बाहर निकली तो मैंने उसे डिंपल, तुम कितनी सुंदर हो, और चॉकलेट लोगी? हाँ अंकल। आओ मेरे साथ। अंकल कहाँ है चॉकलेट? हाँ यहाँ है बेटा, आओ। अंकल छोड़ो, अंकल मुझे। कैसे छोड़ दें टेम्पल? उसके बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैंने उसका गला दबा दिया, मार दिया उसे। तुम्हारी खुद की बेटी भी डिंपल की उम्र की है ना, एक बार भी ख्याल नहीं आया? अगर ये सब तुम्हारी बेटी के साथ होता तो उसे क्या लगता? मृणाल जी, आपकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। आज के जमाने में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो दूसरों के लिए इस हद तक जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा सर, इसे अपनी कामयाबी कहूं या इस समाज की नाकामयाबी, लेकिन इतना जरूर पता है सर, जॉब की अगर बहुत पहले करती ना तो आज डिंपल जिंदा होती। मैम, आप मेरा एक काम करेंगे? कैसा काम? अरे बहू तुम? मम्मी जी, मैं वो पायल को मूवी लेके जा रही थी तो सोचा कि अनिका को भी साथ में ले लूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, उसे भी ले जाओ साथ में। अनिका, अनिका बेटा, मैंने अनिका से बहुत पूछने की कोशिश की लेकिन कुछ बोल नहीं रही है वो।
आप लोग को तो पता है कि बच्चों से कैसे बात करते हैं। आप प्लीज डोंट वरी, मैं उससे बात करती हूँ। जी आप बात कीजिए। चॉकलेट्स? क्या हुआ, आपको चॉकलेट्स अच्छी नहीं लगती? आप परेशान हो क्या? पता है बचपन में ना मेरे पास भी बिल्कुल ऐसी ही एक डॉल थी, मुझे मेरी मम्मी ने गिफ्ट की थी। आपको किसने दी? मामा ने दी। आपको मम्मा से दूर रहना अच्छा नहीं लगता? क्यों, नानी आपसे प्यार नहीं करती क्या? करते हैं। और मामू आपसे प्यार करते हैं क्या? करते हैं। और जब मामू आपसे प्यार करते हैं तो अच्छा नहीं लगता ना? अच्छा नहीं लगता। सर, माफ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे। गलती हो गई? इसकी इतनी कुटाई करो कि माफी मांगने लायक ना रहे। बेकसूर है या नहीं हम देख लेंगे। उसने कुछ भी नहीं किया साहब। देखो बेटा, तुम्हारी बीवी ने ना तुम्हारे छोटे भाई को अंदर डाल दिया है, पागल हो गई है, समझता नहीं है कुछ भी उसको। माँ, बस मुझे शर्म आ रही है खुद पे। मैंने इसे कितनी बार रोकने की कोशिश करी थी। मृणाल, I'm sorry। मुझे मेरी लाइफ की मीनिंग मिल गई है। मैं एनजीओ ज्वाइन करना चाहती हूँ और उन सब बच्चों की मदद करना चाहती हूँ। मृणाल एक आम औरत थी, उस ग्रुप में हो रहे घिनौने काम को रोकने के लिए उसने अपनी पूरी जान लगा दी निस्वार्थ भाव से, और वो कामयाब हुई। अनिका को उसने अनिरुद्ध के जाल से बचाया। मृणाल की जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम है, पर आप जानते हैं हम सब की भी यही जिम्मेदारी बनती है कि अपने आसपास हो रहे गलत काम के खिलाफ हम कदम उठाएं, अपनी आवाज उठाएं, हो सके तो पुलिस को इत्तला करें। पुलिस का काम कानूनी व्यवस्था को संभालना है, लेकिन कभी कभी जुर्म ऐसे छुपकर होता है कि पुलिस को उसकी भनक भी नहीं लगती। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम पुलिस को समय पर सूचित करें ताकि वो वक्त रहते किसी मासूम की जिंदगी, उसका भविष्य बचा सके। तो एक सजग और सतर्क समाज की आशा के साथ मैं दिव्यांक त्रिपाठी दहिया अब लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत परिवार, अब हर औरत का भार। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।